नेशनल भाई पहली बार में जाने वाला हूँ आउट ऑफ इंडिया, इंडोनेशिया जा रहा है तुम्हारा भाई टू वॉच द वीसीटी असेंशन। वीसीटी असेंशन बेसिकली वैलोरेंट की एक लीग है बहुत बड़ी। पहली बार इंडिया के बाहर जा रहे हो भाई, क्रेजी फील है, पता नहीं कैसा लग रहा है। अभी मेरा सुबह को 6 बजे फ्लाइट है, अभी 10 बज चुके हैं, पैकिंग वगैरह चल रही है। मेरे को है ना एक्साइटमेंट से ज्यादा नर्वसनेस हो रहा है भाई, क्योंकि वहां पे पता नहीं क्या क्या खाने मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, लेकिन एक्सप्लोर फट्टे करेंगे। मेरे को खाना है भाई सब कुछ उधर का। मुझे तुम लोगों को थैंक यू बोलना है, क्योंकि अगर तुम लोग नहीं होते तो शायद ही ये ट्रिप पॉसिबल होती। W Riot होना चाहिए कमेंट्स में, क्योंकि Riot ने ऑफिशियली इनवाइट किया है अपने को इंडोनेशिया पे। $600 बस 6 नोट से, मालूम क्या ये 50,000 रुपए अपना ही, क्या डेंजर है भाई। इतना बड़ा बैग लिए ले और मजबूत कपड़े अभी फुल तैयार कर रहे, और वहां पे कैसा है मसालेदार चीज नहीं रहता है ना, प्रायोरिटी भाई। ये कप नूडल्स वगैरह तो उधर कुछ भी दो भाई खाने के लिए, अगर नहीं पसंद आया तो अपन रूम पे आके वापिस, अपने पास सेफ्टी है। इतना जोरदार बारिश हो रहा है कि मम्मी पूछ रही है छतरी लेके जाएगा क्या। मैं बोला प्लेन तो भीगेगा बराबर है, तो छतरी लेके जाना चाहिए है ना। नको चला, अभी हम निकल रहे हैं दोस्तों एकदम ऑल सेट। ये अभी बस ये लेके जाना है, 2-3 बैग मां कसम, एक लैपटॉप वगैरह भी लेके जा रहा हूँ। लेट्स गो, लेट हो गया शायद। बाय 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 बाय। आने ना फोन कर, हो निकल चुके हैं हम लोग जाने के लिए अपने एयरपोर्ट पे। टर्मिनल 2 लगा है ना आपने, सबको बाय बाय कर दिया है। 50 बैग ले लिए, एक बैग में पूरा मेरा सामान है, एक बैग खाली भरने के लिए लिया है कि उधर से कुछ खरीदी करेंगे। दादा के लिए एक अपने को जूता लेने का है, उसको उधर का एक जूता पसंद है, कौन सा वो लेने का है, तो वो सब देख के आएंगे अपन मस्त भाई की। रात भर इतना बारिश हुआ है ना एकदम कुत्ते जैसा, कल स्कूल विल को छुट्टी दिए है, तो रस्ते में बहुत सारे जन लटके हुए रहेंगे, तो इसलिए हम लोग बहुत अर्ली निकले कि 6 बजे की फ्लाइट है, हम लोग 12 बजे निकले, समझ लो 1 घंटे में पहुंच जाएंगे। देखते हैं अभी जाके क्या है, कितने बजे पहुंच रहे हो, कितना टाइम लग रहा है। सी यू गाइस एट द एयरपोर्ट। ये गया अपना भाई, उसने हेल्प किया ट्रॉली पे लगाने के लिए सब कुछ। मेरे को लगा मैंने ही सामान ज्यादा लिया, लेकिन लोग तो वहाँ पे बसने के लिए जा रहे हैं भाई, देख रहे हो माँ कसम। चैट, मैंने जस्ट अभी शाहरुख खान को देखा है, वो तो ब्रो नो फ्रिकिंग वे। यकीन ही नहीं हो रहा ना भाई, मतलब क्या चांसेस रहेंगे सोचो। मैं भाई पब्लिक के ना भागने दौड़ने लग गए रे, तो मैं भाई सोच में पड़ गया ना भाई क्या सीन है, तो फिर थोड़ा रुका मैं देखने के लिए कि कौन इतना बड़ा कौन शूटर आ रहा है भाई, इतना पब्लिक हिल रही है। माँ कसम शाहरुख खान, और कोई सिक्योरिटी नहीं ऐसा। मैं तो एक सेकेंड के लिए सोचा भाई डुप्लीकेट तो नहीं है भाई, रियल था वहाँ। शिट भाई क्रेजी, वो अपना ओम शांति ओम वाला गाना बजने लग गया भाई मन में। अभी हम लोग बैठे हैं कुछ खाने के लिए, और हम लोग मतलब मेरे साथ एक और स्ट्रीमर आने वाली है, और वो है अंकिता। तो हम दोनों जा रहे हैं भाई लोग इंडोनेशिया, और अंकिता का भी फर्स्ट टाइम है इंडोनेशिया जाने के लिए। भाई अंकिता अगर थोड़ा सा जल्दी रहती ना तो उसको भी दिखता। मेरे को तो नहीं लग रहा है इंडोनेशिया। अब आपको भी ऐसा स्ट्रीट फूड वगैरह मजबूत पसंद है? यार का मैं नहीं खाती हूँ, हाँ नहीं मैं बोल रहा था कि अपन बाहर जाके मतलब क्रोकोडाइल खाएंगे। हाँ ऑक्टोपस तो मस्त लगता है। हम लोग रेडी है इंडोनेशिया के लिए, अभी हमारा खाना आ रहा है, हम लोग लेके जा रहे हैं। ये बज हो रहा है देख रहे हो, टेक्नोलॉजी है डेंजर। भाई लोग ये हमारा एयरप्लेन है, ये डायरेक्ट उतरेगा इंडोनेशिया। गुड बाय टू इंडिया, पहली बार भारत माता को छोड़ के जा रहा हूँ मैं। सो
सुबह के ऑलमोस्ट 7 बज चुके हैं, हम लोग अभी बैठे हैं अपने सीट पे, सुबह हो चुकी है माँ कसम। मैं पहुँचा था एयरपोर्ट पे 1-2 बजे, तब से मैं ऐसा हूँ। लेकिन अभी मैं गुड मॉर्निंग हो गई है ना मेरी, मैं एकदम फ्रेश हूँ अभी। हम लोग के आजू बाजू में ना सब गाँव वाले, सब गाँव जा रहे अपने, हाँ हम उनके वहाँ पे जा रहे, आजू बाजू में ना सब वही भाषा में बात कर रहे और हम लोग अपने में, उनको कुछ समझेगा नहीं। इतनी बारिश हो रही थी लेकिन फिर भी मैं ये लेके आया क्योंकि मेरा मान बहुत दर्द देता है। डीमार्ट से उठा है 300 रुपीज़ ओनली, तो जो बारिश में जाके आया हूँ ये लेने खास। मैं ये नीचे करूँगी। अरे हाँ यार वो भी है, बट ये अच्छा है ना ऐसा। हम लोग अभी है ना इंडोनेशिया की भाषा सीख रहे हैं, तो सब इम्पोर्टेंट हाय हेलो थैंक यू सीख रहे हैं अभी। थैंक यू इंडोनेशिया में कैसे बोलते हैं, तेरी माँ तेरी, सुनो सुनो तेरी माँ का सी, थैंक यू, ये याद रहेगा भाई। हम लोग हैं अभी हवा में और हमें अभी एयरप्लेन में दिया है खाने के लिए, क्या ये मखाना है, फिर सैंडविच है और क्या है, और जूस दिया है, क्या बात है। आपको पता है बिस्कुट खाना नहीं चाहिए क्योंकि बिस्कुट का मतलब होता है बीस और कुट, बीस मतलब क्या, विश, विश ये नहीं देखा आपने, रील नहीं देखी, अरे वो बाबा जी है ना पुकी बाबा जी, नहीं पता, अरे वो राधे राधे गुरु जी वाला, हाँ वो बोलता है बिस्कुट नहीं खा देगा क्योंकि बिस्कुट बोले तो विश को, हाँ वो खा सकते हैं। इंडोनेशिया की जमीन पहली बार कदम रख रहे हैं माँ कसम, बारिश हो रही है भाई लोग यहाँ पे इंडोनेशिया में, देख रहे हो तुम लोग, मतलब अपने यहाँ की बारिश अभी यहाँ पे ट्रांसफर हो गई थी, लेकिन डेंजर है एकदम, वेदर एकदम डेंजर है। हम लोग अभी ऐसे बड़ी गाड़ी में अभी जाने वाले अपने होटल पे जो 1 घंटा ही दूर है, पहुँच के दिखाता हूँ। वेलकम टू इंडोनेशिया, ये अपना रूम फटाक से, यहाँ पे है बाथरूम बहुत, ए भाई ए, एक सेकेंड भाई इन लोग को पानी, वाह इधर पानी नहीं है, आई शपथ है क्या, ये तू जाओ, मतलब पानी का विषय है समझ चुका हूँ मैं, अच्छा है मस्त टेक्नोलॉजी आई शोपर। यहाँ पे है शावर, एक नंबर। अबे यार मेरे को लगा बाथटब विटटब रहेगा लेकिन ठीक है, अच्छा है। और यहाँ पे है इतना बड़ा बेड माँ कसम, खतरनाक 1 नंबर रूम।
कुछ दिख रहा क्यों नहीं है चैट? एक्चुअली व्यू है ना, सुबह में दिखेगा, अभी बारिश की वजह से फॉगी फॉगी हो चुका है ना भाई। तुमको मालूम इनका करेंसी अलग ही है। उधर ई वीजा के लिए मैंने ना $35 देने थे, तो मैंने $100 दिए। वो दीदी ने इन रिटर्न ना मेरे को इंडोनेशिया का करेंसी दिया, इतने नोट्स दे दिए, इतने भाई। अभी मेरे पास है ना मिलियंस में पैसे, मिलियंस में। इधर मैं एक मिलियनेर है, समझा ना, तो आड़ ही नहीं लेने का सीधा। बाहर तुम लोगों ने देखा वैसा ही ट्रैफिक भाई, अपने जैसे ही। अभी हम लोग है ना इधर एक ग्रैंड इंडोनेशिया मॉल करके वहां पे जाने वाले हैं, क्योंकि मेरे को है ना अपने थोड़ी सी स्नीकर्स देखने के, खरीदी करने की है। थोड़ा नहा धो लेते हैं, थोड़ा कुछ खा लेता हूँ, मैंने भुजिया लाए। घर से जब निकल रहा था तो मम्मी को ट्रोल किया मैंने छतरी देते टाइम, और इधर अभी बारिश हो रही है। अगर छाता लेके आता तो अच्छे से चले जाता भाई, इसका मतलब समझे तुम। मम्मी हमेशा सही होती है भाई। तो मैंने बस ऐसा चड्डी वाला ड्रिप किया, चड्डी पहना है मैंने, क्योंकि कैसा है कंफर्ट में जाते हैं, ज्यादा पटेली नहीं। वहां पे से है ना मेरे को अपने भाई के लिए एक शूज लेने का, उधर उसका शॉप है, तो देखते हैं उधर जाके विषय क्या है। ठीक है चलो। ये ग्रैंड इंडोनेशिया मॉल बॉयज, यहाँ पे हम लोग अभी आए हैं शूज देखने के लिए, स्नीकर्स खरीदने वाले हम लोग। ये फ्लोर पे बहुत बड़ा मॉल है मालूम क्या, इसका ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ अलग अलग इसका कंपार्टमेंट है। एटलीस्ट तुम्हारे को एक महीना जाएगा पूरा घूमने के लिए। हम लोग 5 दिन इधर ही, फिर भी नहीं खत्म होगा मॉल। हम लोग अभी शूज देख रहे थे, ये किड्स सेक्शन है, लेकिन अंकिता को 4 साल के बच्चे का शू बैठ गया है। ये कैसे मेरे को बैठेगा, ये बहुत छोटा है। अंकिता का शॉर्ट हो गया भाई, उनको बैठ गया वो। इधर इतने सारे किड्स सेक्शन में मालूम, इतने सारे, और उधर मेन वाले सेक्शन में सिर्फ 2 कितने पेयर है मालूम, ये दिख रहे सिर्फ ये, बस इतना ही है भाई। ये मॉल में ना जो नहीं सुना ना, वो सबके शोरूम्स है, इतने डेंजर शोरूम है ना। अंदर घूम घूम के देख रहा हूँ मैं, पहली बार ऐसे सब ब्रांड्स का शोरूम देखेला हुआ है, खतरनाक मालूम। और अंदर इतने बड़े बड़े शोरूम्स है ना, इनसेन क्रेजी शिट है भाई। इतना डेंजर मॉल है, फिर भी 10 बजे ना सब बंद हो गया है, देख रहे हो सब बंद, सब लोग घर पे जा रहे हैं। तो अभी हम लोग खाने वाले हैं कुछ तो यहाँ पे, और यहाँ पे मिलता है हॉट पॉट खाने वाले यहाँ पे हम लोग, और भाई बता रहे कि कौन सा हॉट पॉट यहाँ पे मस्त भाई की है। एक तो विषय ऐसा होता है ना, इन लोगों को इंग्लिश इतना है ना जमता नहीं है, तो इन लोगों को बहुत ऐसा हाय नेम प्लेस व्हाट ऐसा करके समझाना पड़ता है, तो थोड़ा ट्राई हार्ड होता है, लेकिन विषय नहीं है कुछ। थैंक यू, हाउ डू यू से थैंक यू? अभी हम लोग खाने आए ना, तो हम लोग को एक पॉट सिलेक्ट करना है, उसमें सूप डालना है, और फिर उसके बाद में ऐड करना है कि कौन सा मीट रहेगा उसमें। ठीक है, उसमें हम लोग फ्रॉग वगैरह डाल सकते हैं, माँ का सब। आप फ्रॉग खाओगे? थोड़ा स्क्विड है, श्रिम्प है, नहीं अपन सेफ वाला ही लेते कुछ। सेफ लेते कुछ तो भाई, वो थोड़ा अगर क्रोकोडाइल मिल गया ना तो मजा आ गया। अभी मैं चाइनीज टी ट्राई करने वाला हूँ भाई लोग। स्मेल तो अपने जैसी है, अपनी टी जैसी है। मैंने दो एकदम वेरी नाइस साउंडिंग सूप ऐड किए हैं, हाई टोनिंग सूप है एंड चिकन नूडल्स, हाई टोनिंग सूप। इन लोगों ने पानी में चाय पत्ती डाली है थोड़ी सी, और वो दी है, और ये है चाइनीज टी। ओह थैंक यू सो मच भाई, फोन का स्टैंड दे दिया उन्होंने भाई इसके लिए लगाने के लिए। माँ कसम ऐसी सर्विस खत्म ना भाई। ये देखो अंकिता क्या दिया, मेन्यू जरा चेक मार रहा हो भाई लोग। डक की जीभ है इसमें, एक पोर्क ब्रेन, और वहां पे ब्रेन दिखाया है। नहीं ज्यादा नीचे नहीं जाते, बहुत ज्यादा डेंजर चीजें आ रही है। ये भाई ने अपने को एप्रन ला के दिया है बहुत ही अच्छा सा, तेरी माँ का सी। देख रहे हो मेरे को जम गया अभी भाई। क्या बोल रही है? हाँ आ जाऊंगा ऐसे ही,
कट करके। सूप ऑलरेडी आ गया है देखो, गरम गरम भाई ने ला के दिया है। फिर माँ कैसी? सबको बोलूँगा, एक ही वर्ड आ गया है मेरे को। और अभी हम लोग ने डन कर दिया है आगे का सब कुछ, मतलब सूप के अंदर वेजीज भी जाएंगे, वो मीट क्या क्या जाएगा सब आई शॉप पर। अभी वो कंटिन्यू गर्म होते रहेगा उसमें, अभी जो भी आएगी चीज़ें वो कच्ची आएंगी, हमको डिप करना है और खाना है। हमारा सूप अभी है ना पूरा बॉईल हो गया है, एकदम डेंजर। अभी मेरे को ये ट्राई करने का है, वाटरमेलन। ये डिट्टो वाटरमेलन ही है, मस्त है, येलो वाटरमेलन। सब डाल दिया है जो दिख रहा है, सब डाल दिया है। और हमारा यहाँ पे सॉस रेडी हो चुका है। nice. अच्छा लग रहा है। ओके इधर ये मशीन भी है देखो, ये ऑटोमेटिक रोबोट है, चलते रहेगा, जिसका जहाँ पे ऑर्डर है वो वहाँ पे जाके डिलीवर करेगा। देख रहे हो अलग ही लेवल का भाई, यहाँ पे टेक्नोलॉजी चल रहा है ना, ये लोग 2050 में रह रहे हैं ऑलरेडी। हाँ ये क्रीमी सॉस है देखो, कुछ भी अगर अजीब सा लग गया ना, देखो फातिमा, नहीं नहीं आके है ना, सिंपली यहाँ पे मुंह डाल देना है, ये डेजर्ट है, इतना समझ गया मुझे। फातिमा हमें हेल्प करेगी क्या खाना चाहिए, मुझे क्योंकि कुछ नहीं समझ रहा है। ओ अच्छा, अभी देखो उसमें ही सब कुछ डाल के बनाना है। वाह 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 वाह, ये नाम भी क्या लिखे है अपने को पता नहीं, सौस विजेन, सौस सांबार। तो सूप जो मंगाया ना मैंने, ये वाला बोल दिया कि ये ट्राई करेंगे, ये स्पाइसी था और ये सबसे स्पाइसी था, तो अभी मुझे ये ट्राई करने का है, कैसा लगता है? नहीं नहीं नहीं, ऑयल मत दो, इतना पड़ जाऊंगा मैं, मुझे ना ये पीते साथ खांसी आने वाली, डेंजर ऐसा फील आ रहा है। ऑयली बहुत फील हो रहा है यहाँ पे, और काफी फिशी टेस्ट है। फिशी नहीं है, कुछ अलग ही है। ए, आ गया मेरा दोस्त रोबोट, कैसा है भाई? भाई देख ये सब है ना, कच्चा ला लेके आया वो लोग। ओ भाई ये श्रिम्प है, ये चिकन है, ये राइस केक है। अरे माँ क्या क्या मंगाया है। यो ये क्रैब केकड़ा, ये ला, बाय बाय बड़ा। एक ट्रायल मिल रहा है अपने को दोस्तों। ओह शिट, डुबकी मार दी, गायब हो गया दोस्तों। शिट भाई, पता चला अंदर वो पाउडर बन गया। अब तक उसने ट्रैप डाला है अंदर, लेकिन उसको निकालने नहीं आ रहा। देखो आ रहा है, आ रहा है। हाँ हाँ देखो मुझे ये खाना था ना, तो मैंने ये उठा के डाल दिया है इसमें, और वो यहाँ पे पक रहा है, पक चुका है भाई, काला काला हो गया है पूरा। अल्ट्रा हार्ड, लेट्स गो भाई। ओह शिट, फाइनली लेट्स गो, यस, क्या बात है। बर्थडे चल रहा है, बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। इधर भी एब्सोल्यूट बारबेक्यू वाला सीन है, लेट्स गो। मस्त है। इतना दो घंटा ट्राई हार्ड करे और तुम खाना खाए इनके यहाँ पे, इसलिए अभी उन्होंने हम लोग को गिफ्ट दिया है, एक रिवॉर्ड। क्या है भाई, कुछ तो है। आज हमने मेहनत की खाना खाने के लिए, बहुत ज़्यादा अच्छा था एक्सपीरियंस भाई लोग, अच्छा है, ज़रूर ट्राई करना आप भी एक एक दिन अगर आपको मौका मिला तो। हाँ नहीं, तुम एक ही बार करोगे, करोगे तो। फाइनली हमारा खाना हो चुका है और अभी बिल आया है। हमने खाया है खाना 8 लाख, लेकिन ये इंडोनेशिया के रुपए है। अपने यहाँ पे ऐसा बिल आता ना, अभी उठ के भाग जाता मैं। के अंदर है पोलो, पोलो देते भाई ये लोग खाना खाने के बाद, मिंट एक नंबर ना। 3 घंटा लगे खाना खाने के लिए, फुल खाना वाना खा के अभी हम लोग निकले।
बज चुके हैं 12:30 बज चुके हैं। अगर कोई मुझे बोलेगा इधर वापस आना है खाने खाने के लिए, तो मैं उससे बोलूँगा तू अकेले जा। ये मॉल के बाहर हूँ अभी मैं। ये मॉल देख रहे हो कितना बड़ा है, ये देखो माँ कसम इतना बड़ा, ठीक है। और उधर आगे तक भी जाता है वो। हम लोग सिर्फ इतने पार्ट में घूमे हैं, इतने, बाकी इतना आंध्रा बांद्रा तक जाता है वो। द प्लाजा लिखा है, दिख रहा है, वो भी एक अलग से मॉल है माँ कसम। मतलब इधर आके ऐसा नहीं लगता भाई कि अपन इंडिया से बाहर आए ले, ऐसा लगता है आपने ही चाहिए। हम अभी इधर के एक जनरल स्टोर में आए, मेरे को देखने का है कि इधर कुछ अपन ले सकते हैं क्या ऐसा खाने के लिए टाइम पास, ठीक है। ये देख लो सब ऐसा अलग अलग चीज़ है इनके पास। और इनका देखो करेंसी कैसा है ना, ये देखो 13,900 में तुमको ये मिलेगा। क्या ये पोकेमॉन लाटे कॉफी? पोकेमॉन की कॉफी भी एक बेच रहे भाई। भाई ये वाला डेंजर लग रहा है ना इससे। हाँ ये डेंजर लग रहा है। देखो अपने इधर बर्बन मिलता है ना, ये बर्बन का कोई तो डेंजर फ्लेवर है, बोरबोन चोको। अच्छा ये कुछ भलता ही चे, ये अपना वाला नहीं है, ये है 10,900 का। लो ये छोटे छोटे चॉकलेट विकलेट भी एकदम डेंजर डेंजर वाले। लेकिन चॉकलेट विकलेट अपन खाते नहीं है। 100 प्रकार के इधर रैमेन है अपने इधर। अपन एक ढूंढते ढूंढते अपने को यही मिलता है ऐसे वाला। इधर 50 अलग अलग प्रकार के भाई अपने इधर पे। ये कितने का मिलता है, कुछ 140 वगैरह का मिलता है। यहाँ पे 6900 का मिल रहा है, मतलब 40 रुपये का कुछ मिल रहा है अपने इधर भाई। इधर अपना वो ओजी वाला मिल रहा है, उसको क्या बोलते थे चैट कोई मुझे कमेंट्स में बताना। उसके अंदर चॉकलेट का फीलिंग होता था भाई। ये एक उठाते ना हमारे को अभी मिरर लेने का है, लेकिन उनको समझ रहा ही नहीं है मिरर मतलब क्या भाई। लोग इधर बनता ही नहीं है वो, समझ रहे हो। फोटो दिखा रहे अभी, नो मिरर। ओए उठा दे क्या? नहीं लेकिन वो चलेगा अपने में। फातिमा जी बताएंगी क्या ये प्लेस्टेशन? नहीं उसके नीचे देखो। ओ, नहीं, नहीं चलेगा। मैं तो बोलता एक एक दो उठाते देखते जो होएगा। मेरे लैपटॉप में रिडीम करके देखूंगा, हुआ तो ठीक। आ जाओ भाई अभी देखते हैं। ये एक्चुअल में वैसे ही लगता है क्या? क्या स्मेल है भाई। भाई ये क्रंची वाला ही है, वो ही है। गुड मॉर्निंग बैंकॉक। आज होने वाला है द फर्स्ट डे ऑफ द इवेंट। 4-5 घंटे सो के उठे, अभी 8 बज चुके हैं क्योंकि मुझे वहां पे पहुंचना है कुछ 10-11 बजे। आई एम सुपर एक्साइटेड एंड पम्प्ड ऑलरेडी। नहाते नीचे जाते ब्रेकफास्ट में क्या है देखते हैं और फिर वटते। यो लाला इज ऑल सेट। कैसा लग रहा है भाई, चश्मा ठीक लग रहा है इस पे? मैं कंफ्यूज हूँ थोड़ा। और मैंने काफ़ी है ना नॉर्मल ड्रिपिंग की है, क्योंकि कैसा है ना आज मेरे को इतना पटेली नहीं मारने का है ना। ये नॉर्मल सा अपना टी शर्ट पहने लो मैं। एक्चुअली दिस इज फ्रॉम ज़ारा एंड दिस इज फ्रॉम H&M एंड दिस इज फ्रॉम आई डोंट नो। एक नंबर कोलाबा ट्रिप किए ले अपन ने, कोलाबा कोलाबा कोलाबा। कैसा लग रहा है बताना आके कमेंट्स में। शायद मेरे को ये चश्मा चेंज करना चाहिए। अब बताओ अब कैसा लग रहा है भाई? मतलब ज्यादा ही एस्थेटिकली लग रहा है ना भाई ये चश्मा। पता नहीं मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं दे रहा है इतना जितना वो चाहिए देना। अपना आज का ब्रेकफास्ट, ये कुछ तो इंडोनेशिया की डिश है डेंजर सी सलाड। ये कुछ तो पाव बोलते हैं, इसके अंदर मस्टर्ड है। और ये अपने को ऑमलेट दिए। वो जो बंदा था ना यहाँ पे मुझे सब कुछ सर्व कर रहा है ना भाई, वो भी वैलोरेंट खेलता है। मुझे पूछ रहा तुम गेमर हो गया वैलोरेंट खेलते हो क्या? मतलब इतने और इतना फ्रेंडली है ना भाई, वो सब कुछ ला के दे रहा है वहाँ पे। अबे मोदक माफी गया, कुछ तो अंदर मोदक जैसा भरा हुआ है। मस्त है भाई, स्वीट स्वीट है।
अभी हम लोग है अरीना के पास में जहाँ पे हमारा इवेंट होने वाला है। ऑलरेडी यहाँ पे शायद पब्लिक आना जमा हो गई है, ये देख लो ये सब अंदर मैच देखने के लिए शायद आए हुए हैं। वहाँ कसम अपन जाएंगे ना, अपनी को लाइन नहीं है, अपन अलग से जाएंगे। देखो कैसे देख रहे हो अपन अलग से सीधा, क्योंकि फातिमा जी का हाथ है। एक एकदम छोटे से सेटअप पे अपन ने स्ट्रीम करना शुरू किया था। आज यहाँ पे आए हो अपने कंट्री से बाहर, तुम लोगों की वजह से, खाली तुम लोगों की वजह से इतना सब कुछ देखने मिल रहा है, इतना सब कुछ, इतनी ज़्यादा इज्जत मिल रही है। VCT देखते टाइम कभी सोचा भी नहीं था कि भाई अपने को उधर इनवाइट करेंगे, और यहाँ पे मेरे को स्पेशली वॉच पार्टी करने के लिए दी है। ये है मेरा पास, और अभी मैं तुम लोगों को दिखाने वाला हूँ इनसाइड द स्टेडियम, इनसाइड VCT की कैसा दिखता है। हम सुबह एक्साइटेड भाई कि तुम लोगों को कितना अच्छा लगेगा देखने के लिए। लेट्स गो, लुक एट दिस। रियल लाइफ में इतना बड़ा स्टेज लग रहा है ना ये, और इतना ब्यूटीफुल लग रहा है, मैं ऐसा कैमरा में तुम लोग को ना दिखाई नहीं सकता मालूम, इतना प्यारा दिख रहा है ये। ये सारा है ना सोल्ड आउट है फाइनल के लिए, फाइनल में खचाखच भरने वाला है, ऊपर भी सीटिंग है, 3000 लोग भरने वाले भाई कल के दिन, माँ कसम। और अभी तो तुम लोगों ने मेन चीज देखी ही नहीं, मैं वॉच पार्टी कहाँ करने वाला हूँ, आ जाओ दिखाता हूँ। This is our watch party setup. ये देखो माँ कसम, यहाँ पे अपन देखेंगे मैच, यहाँ पे अपनी लाइव स्ट्रीम चलेगी, अपनी कंपनी ऑलरेडी आ चुकी है, अभी लाइट लगी हुई नहीं है, लेकिन देख रहे हो मतलब कैमरा, इतना सा कैमरा ही है, ये देखो उसमें दिख रहा है भाई। ये हेडफोन वगैरह उन्होंने ही दिया है जो प्लेयर्स और कास्टर्स लगाने वाले हैं, ठीक है वो अपन पहनने वाले हैं। मेरा सिर्फ उंगली दिख रहा है ना तुम लोगों को, अभी इतनी बड़ी लाइट है जो अपने मुंह पे आएगी। कहा चार दीवार में स्ट्रीम करते थे माँ कसम अपन, और इतने अभी बड़े अरीना में अपन अभी स्ट्रीम करने वाले, सबके सामने लाइव मैच देखने वाले। इधर देख, देखो ना भाई कितना ब्यूटीफुल है, किधर लाके रख दिया भाई, क्या इज्जत करी पब्लिक, मेरा इंटरव्यू वगैरह लिए भाई, ऐसा 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 हो रहा था इंग्लिश एकदम एक्सेंट में, तुम लोगों ने देखा रहेगा अभी, मे भी तुम लोगों ने तो स्ट्रीम देखा रहेगा, बट भाई बहुत थैंकफुल फील कर रहा हूँ अपनी पाव गैंग के लिए। पाव गैंग ऑन टॉप, पाव स्पोर्ट्स ऑन टॉप बेबी फॉरएवर। और मैंने यहाँ पे अपनी स्ट्रीम चालू कर दी है, ऑलरेडी 200 लोग एटलीस्ट आ चुके भाई, इधर लाइव देखूंगा मैं। चालू हो गई भाई, टीम आ रही है, ओ भाई इवेंट अभी खत्म हो चुका है, भूमि स्पोर्ट्स जीत चुकी है पहला दिन का, और मेरा स्ट्रीम हो चुका है, मेरी फर्स्ट स्ट्रीम यहाँ से, और भाई इतना क्रेजी रिस्पांस, इतने जन लिख रहे हैं कि भाई वी आर प्राउड ऑफ यू, वी आर प्राउड ऑफ यू। ये अपना सेटअप था प्यारा सा, मेरे को स्नैक्स लाके दिए फातिमा जी ने, और भाई एकदम ज्यादा मजा आ गया। कौन कौन आया मालूम, एक्सक्यूरेट मिला मेरे को, मोनिये भाई मिले, वैसे सब बड़े बड़े प्लेयर्स मिले, सबसे इंटरेक्ट किया सब लोग स्ट्रीम पे, बहुत अच्छा लगा। नाइट मार्केट फिर भी टट्टी आया, बट कोई दिक्कत की बात नहीं है, दिन अच्छा था भाई। लोग मिलते हैं, अभी अगला क्या करेंगे पता नहीं, देखते हैं। 6 बज चुका है मालूम, मैं 5 घंटा लगातार स्ट्रीम किया और मैंने कुछ खाया नहीं, और मेरे को याद भी नहीं है कि मैंने कुछ खाया है, सिर्फ ब्रेकफास्ट किया था उतना ही। अभी जाएंगे और खाएंगे आराम से, लेकिन स्ट्रीम मजबूत था, ऑल वर्थ इट। दोपहर का खाना खाया नहीं इसलिए, और इसको क्या कहते हैं, बेसिल चिकन एंड राइस, वो दिखा गया। ये अंकिता के रिकमेंडेशन से खा रहा हूँ मैं, ठीक है अब देखते कैसा लग रहा है। मैंने भी किसी और के रिकमेंडेशन पे खाया था, तो अभी हम लोग ना एक एक जन को इधर लेके आ रहे हैं ये डिश ट्राई करवाने। आओ टेस्ट करें, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा, ऐसा अपने अपने यहाँ के होटल में कैसा मिलता है वैसे टाइप का। वैलोरेंट का एक फेस्ट चल रहा है यहाँ पे, वहाँ पे बहुत सारे अभी गाने वाने बज रहे हैं, कॉन्सर्ट चल रहा है भाई यहाँ पे।
भाई, अलग ही वाइब है। फुल मजे चल रहे, कुछ तो बोल रहे अपने भाषा में, लेकिन अच्छा लग रहा है सुन के। लोअर ब्रैकेट फाइनल्स होने वाले हैं आज भाई, बेस्ट ऑफ फाइव होने वाला है, भूमि स्पोर्ट्स का मैच है, मजा आने वाला है क्योंकि होम क्राउड रहेगा और पांच मैचेस रहेंगे। मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से 3-0 होने वाला है ये। उसके बाद में हम लोग जाने वाले हैं स्ट्रीट शॉपिंग को, मजा आने वाला है आज के दिन में। लेट्स गो, आउटफिट दिखाता हूँ। ऑल सेट फॉर टुडे, देख रहे हो भाई को तुम्हारे एकदम ट्रिप चेक, ऐसा नॉर्मल ड्रेसिंग है आज भी अपना मस्त भाई की, और थोड़ा ज्यादा प्लेन हो रहा था इसलिए मैंने ब्रीमिया भाई लगा दिए इधर, ये देखो। वॉच पार्टी के टाइम पे बहुत सारे स्नैक्स ला के रख दिए थे फातिमा ने, लेकिन मैंने कुछ ज़्यादा खाया नहीं है आज, मैंने अभी कुछ खाया नहीं, तो अभी जाके पहले तो देखना पड़ेगा कुछ खाने के लिए। मैंने थोड़ा बहुत स्नैक्स खाए, देखते हैं अभी, क्योंकि ब्रेकफास्ट मिस हो गया, मैं थोड़ा लेट उठ गया। हम हो गए हैं रेडी, अब जाते हैं वेन्यू पे। यहाँ पे देख लो भाई लोग, ये ना इंडोनेशिया की एक परेड चालू होने वाली है, तो उसके लिए वो लोग अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं। आज ऑलरेडी वाइब एकदम डेंजर है, बहुत गर्दी ऑलरेडी, शेकिंग भी एकदम डेंजर है। यस, पूरा स्टेडियम खचाखच भर चुका है, मैं लेट हूँ ऑलरेडी इसके लिए, स्क्रीन के लिए अपने। यहाँ पे देख रहे हो अपना, अभी फटफट सेटअप कर लेते हैं अपन और स्ट्रीम करना शुरू करते हैं। द लाइव स्ट्रीम हैज स्टार्टेड एंड वाइब चल रही है यहाँ पे पूरे स्टेडियम में भाई लोग, पूरा क्राउड भरा है मालूम है, पूरा क्राउड, कल ज्यादा गर्दी होने वाला है, ये टॉप टॉप वाला पूरा भरा पड़ा है। Game.
रूमी स्पोर्ट्स जा चुकी है ग्रैंड फाइनल्स में, अभी इंटरव्यू चल रहा है उनका, देख रहे हो ये भाई मचा एकदम डेंजर। वो बोलते हैं कि हाफ टाइम जब चलता ना तो वो कुछ कौन सी देते आईजीएल, तो उनके कोच वो बोलते हैं बस भाई सुनो अपनी क्राउड को सुनो, वो लोग कितना प्यार से बात कर रहे वो सुनो। कल तो 3000 जन होने वाले, कल तो और फन रहेगा और बहुत ज्यादा मजा आएगा। अभी हम लोग सोच रहे हैं कि जाए बाहर और कहीं स्ट्रीट शॉपिंग करें, लेकिन उसके लिए भी ढूंढना पड़ेगा कि भाई जाना किधर है। किसी शादी उबर भी यहाँ पे मंगा देना तो ये देखो ये ऐसी आती है, ये सबसे पहली उनकी स्टार्टिंग रेंज है। चलिए अंदर जाइए, ये देखिए ब्लैक टिंटेड, अपने यहाँ पे तो बैन हो जाता है ना ब्लैक टिंट, क्या बोले अच्छा सॉरी। देखो इधर है ना हर एक चीज मिलता है, जो नहीं चाहिए वो सब दिखता है यहाँ पे, जो चाहिए वो नहीं दिखता। मेरे को एक शूज चाहिए वो नहीं दिख रहा है। अभी हम लोग कुछ तो ऐसे जगह पे आए हैं डीमार्ट माफिक, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही डेंजर वाला डीमार्ट है। इधर बच्चे भी बेच रहे हैं, मतलब ऐसे बच्चों जैसे डॉल्स बेच रहे हैं यहाँ पे, बच्चे लोग का बहुत सेशन है यहाँ पे। और बच्चे लोग के स्टॉल के अंदर हमें कोई दिखा है, अरे हल्की है कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ पे हॉट व्हील्स लाला जो अपने यहाँ पे नहीं मिलते भाई साहब, क्या क्रेजी है ये उठाते कोई, मैंने 5-6 निकाले हैं, लेकिन ये देखो भाई शिट, ये देखो जितना भी लगाया है ना सब 200 का। ये देखो भाई ट्रांसफॉर्मर्स लगे हुए इधर, माँ कसम। गन भी बेच रहे इधर, ड्रोन भी, ये क्या है स्पाइडर बॉट, ओ भाई, अरे मेरे भाई किधर, क्या भाई इतने इतने प्रजाति के, क्या बात है भाई। इन लोगों में ना सादी गाड़ी कोई चलाते नहीं है, सब बड़े बड़े गाड़ियां चलाते, देख रहे हो तुम लोग। इधर इधर बाइक्स भी देखो एकदम डेंजरस, ऑप्टिमिस्टिक, खतरनाक विषय। इंडोनेशिया का एक ट्रेडिशनल क्लोथिंग होता है, उसे कहते हैं बतिक क्लोथिंग, तो वो देखने के लिए हम लोग आए, क्योंकि फाइनल्स के दिन है ना सब लोग वही पहनने वाले। ये ऐसे डिजाइन होते हैं और ऐसे डिजाइन के शर्ट्स वर्ट्स होते हैं बहुत क्लीन, वो देखेंगे हम लोग। अभी हम लोग देखे ना दूसरे मॉल्स में 1 मिलियन का था, 1 मिलियन बोले तो अपने इधर का 5-6 हज़ार बहुत ज़्यादा हो गया, इधर भी उतना ही है। अरे भाई सस्ता वाला किधर है, लेकिन ये बतिक वाले नहीं है, ये सादे सुधे है, ये 1 मिलियन का, ये लोग 1 मिलियन के नीचे कुछ नहीं बेच रहे भाई। अच्छा लग रहा है वो, लेकिन है ना अपने यहाँ पे ऐसा पहनेंगे ना तो पब्लिक ऐसा देखेंगी बोलेंगे क्या पहने ला, लेकिन इधर के हिसाब से अच्छा है बहुत। वो पड़ा है मेरे को 4.5 लाख का, मतलब कुछ 2000 तक का मेरे को पड़ा है, अच्छा लग रहा है। लेकिन वो दिखाया ना मैं तुम लोगों को, तो वो फुल स्लीव था जो दिखाया, मैंने हाफ स्लीव ले ला, अभी हम लोग करते हैं उसका पेमेंट। तो इनका करेंसी इतना डेंजर होता है ना भाई लोग, 4-4 लाख का ये था बराबर, तो 500 चेंज देना तो उन्होंने कॉइन दे दिए। हमारा दोनों का मिला के 1 मिलियन हुआ है, 5000 रुपए के अराउंड, तो मतलब 2500 के दोनों के पड़े, बस पड़ा है भाई, अच्छा शॉपिंग हो गया। हमें यहाँ पे रिक्शा स्टैंड भी है भाई, अच्छा वो परफॉर्मेंस है, उनको पैसा देना है ऐसा वाला कुछ, ये चल रहा है देखो। अपने यहाँ पे काली पीली होता है, इधर नीली है, काली नीली स्टॉल्स लगाए हुए हैं, देखो डेंजर। ओ भाई स्मेल कैसा आ रहा है, अच्छा है ना, फ्राई कर रहा है एकदम डेंजर तेल में, चिकन विकन ही लग रहा है कुछ तो। प्रॉन्स वॉन्स है इधर, पापलेट है, बहुत सारे फिश है, और ये चिकन है, क्या क्या आइटम है भाई, डेंजर डेंजर। सूप, वो चिकन सूप है इधर, ये देखो चिकन, ओनली चिकन, लेमन टी, लेमन टी टू, ओके भाई साहब अभी ऑर्डर दिया अभी आ गया। यहाँ पे चिकन है, थोड़े से नूडल्स दिए ले, और बटाटा वगैरह सब डाले एक में, बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा है यार, वाह। और इधर है ना भाई, अपने को ऐसा पापड़ वगैरह अलग से लेना पड़ता है, इधर शायद फुकट गए, मैंने अभी देखा एक भाई ने उठा लिया डायरेक्ट, पापड़ है इधर, सिंगदानी दी है, उठाओ डायरेक्ट कुछ भी खाओ। मीठा सा है, मस्त है, आप बंद हो तो बच्चे
भाई पेट भर के खा लिया उसने वो सूप में ना, और ऐसा नहीं कि वो ऐसा ये टेस्ट था कि भाई बॉइल्ड शिट था, तो कैसा अपने दिमाग में कैसा रहता है बाहर आते तो वो वैसा खाते ऐसा लगता है मसाला नहीं है, लेकिन इसमें एक्चुअली मसालेदार था और तीखा सा था, मस्त टेस्ट था, तो भाई पेट तो भर गया 250 रुपीज में, है ना। चलो अभी हम लोग जा रहे होटल पे, कल है ग्रैंड फाइनल्स का डे, मिलते हैं। ग्रैंड फाइनल डे, सबसे इम्पोर्टेंट दिन ही मेरी नींद नहीं हुई है, आज आखिरी दिन है भाई इंडोनेशिया में। मजा आया, ज्यादा घूमे नहीं लेकिन जितना घूमे मजा आया। मेरे को घर पे सबको देने के लिए कुछ मैंने लिया नहीं है, मेरे को भाई के लिए शूज लेने थे वो मैंने लिए नहीं है। 3 बजे फ्लाइट है तो 3 बजे के पहले 10 बजे मॉल्स खुलते, तो होपफुली मैं 10 बजे जाके स्नीकर्स ले पाऊँ, या तो एटलीस्ट घर पे कुछ तो लेके जाने के लिए, क्योंकि भाई जेन्युइनली दिल से कुछ लेके जाने का मन कर रहा है। आज इवेंट पे 4 सेकंड होने वाला है, तो मैं तो अपना भुजे और भाकरवड़ी कैरी करने वाला हूँ उसको खिलाने के लिए, बट आई होप वो स्ट्रीम ज्वाइन करे। वेलकम टू द डे 3, जाते खाना खाने के लिए। चलो आज यहाँ पे ना बेक्ड बीन, पॉम पॉम पोटैटो, ग्रिल्ड टोमेटो, ये क्या है, आइसक्रीम, वो आइसक्रीम भी है, वॉफल्स भी यहाँ पे खुद का बना सकते हैं अपन, और सारा ये सब है, ये सब अपने को नहीं चाहिए। इधर ग्रीन कलर का कोई तो पास्ता है, ये मस्त है, क्रीमी क्रीमी कुछ अच्छा लग रहा है। इधर साइड में फ्रूट्स वूट्स भी रखे हैं अलग अलग टाइप के, और इधर जूसेस रखे हैं अलग अलग, कोई भी चाहिए खुद उठा लो। इधर देखो, इधर है ना चॉकलेट का था, हम लोगों ने उठा लिया और इधर भर लिया। बहुत अच्छा है भाई इनका बिरयानी, बिरयानी नहीं है ये कुछ और है, लेकिन इनका ऑयल थोड़ा है ना अच्छा लगने लग गया है, अभी टेस्ट डेवलप हो गया है, पहले दिन थोड़ा कड़वा लग रहा था। बाहर क्या मजबूत मौसम हुआ रखा है, देख रहे हो तुम लोग कितना अच्छा लग रहा है भाई। इस अच्छे मौसम के साथ तुम्हारे भाई का ड्रिप चेक भी करो। ग्रैंड फाइनल्स के लिए स्पेशल यहाँ पे हम लोगों ने इंडोनेशिया का, आई एम नॉट श्योर, लेकिन बतिक यहाँ पे बहुत ज्यादा फेमस है। ये जो शर्ट देख रहे हो कल लेके आया हम लोग, ऐसा दिख रहा है अपना पूरा कंप्लीट ड्रिप, कैसा लग रहा है बताना जरूर। मजबूत लग रहा है क्या, ऐसा स्पेशल सा लग रहा है क्या, मेरे को तो बहुत क्लीन लग रहा है मालूम क्या, ऐसा एकदम चुम्मी लग रहा है, चुम्मी है ना। ऑटोग्राफ लेट प्लीज, थैंक यू। Bollywood movie, not Hollywood. You saw any Bollywood movie? कुछ कुछ होता है। हाँ, कुछ कुछ होता है, बराबर। तो भाई को है ना बहुत पता है इंडिया के बारे में। मेरे को अपने प्राइम मिनिस्टर का नाम बताया। ये भाई आए थे मुंबई, मेरे को पूछ रहे कि जकार्ता कैसा गर्मी हो रहा है क्या, मुंबई मुंबई में इतना ही गर्मी होता है क्या। अभी भाई को क्या बताऊँ, ये तो ट्रेलर है हमारा। पहले डे आए थे ना हम लोग, तो ये एंट्रेंस वगैरह लगाया नहीं था। ये देख लो, ये अरीना है, ये पूरा यहाँ पे हो रहा है इवेंट। आज तो फाइनल डे, आज मजबूत गर्दी होने वाली है। इधर आइसो भाई भी आ गए, ले आइसो यहाँ पे कॉस्प्ले किया है ना, तो फातिमा को उसने इम्प्रेस कर दिया, क्योंकि उसने खुद से आ गया, खुद से बजट आइसो एकदम क्विकली करके किया है, और उसने बहुत क्लीन किया है। देख रहे हो बैंडेज वगैरह पहना भाई ने, और फातिमा ने उसको अभी रैड गन बड़ी गिफ्ट किया है। वो लड़की थी नहीं, मैं मेरे को लगा लड़का है, वो लड़की थी भाई, वो कूदने लग गई जैसे राइड गन पड़ी थी भाई, बहुत खुश हो गए यार, दिन बना दिया फातिमा ने उसका। कूल इन्होंने आउटफिट पहना है, देख रहे हो, ये देखो कितना क्लीन है भाई। और एक राइड गन पड़ी इनको मिलते हुए। शो मैच चालू होने वाला है, और अभी देखने मिलने वाला है 4 सेकंड को लाइव। You had fun in India, back in Convergence? Oh yeah, absolutely. Yeah? Yeah.
Let's see you again. See you again. Yeah, yeah, yeah. Thank you so much. Thank you so much. Entry ho rahi hai abhi, entry. Big thing. This was the most viewed stream on our channel, boys. Crazy event, bhai. Crazy event. और 8 घंटे की stream थी और मेरे को ना घंटा महसूस भी नहीं हुआ कि 8 घंटे हुआ है. 8 मिनट लग रहा था भाई. मजा आ गया. माँ कसम. थोड़ा sad लगा. Boom हारी इसलिए. लेकिन मजा तो आया भाई. This was an insane experience. ये photos लिए जा रहे भाई. जो भी crew था. सब लोग जो भी कास्टर्स वास्टर्स है सबको बुलाए. यू गो बॉयज. इन लोग के चेहरे देख लो क्योंकि ये लोग है ना भाई मचाने वाले अगले लीग में. सब गोटी गेमर है. सब चेहरे देख लो अच्छे से. ये भाई का भी चेहरा देख लो. ये भी गोटी गेमर है. मेरा भाई क्या बात है. गोटी गेमर ये है. रियल गोटी गेमर ये दिख रहा है. ये मचाने वाला है ना भाई. ये देखो भाई इसका मुंह देख लो अच्छे से. दिस गाय इज गोइंग टू किल इट. अभी एक प्लेयर माफिक हम लोग स्टेज पे जाने वाले. देख रहे हो ये स्टेज. लुक एट द एंट्री. This is so good. There's the trophy. Look at it, bhai. It looks so clean. और ये रहे setups जिसपे winning team खेल रही थी भाई. ये पूरा स्टेज भाई साफ. हाँ चलो चलो. इतना क्लोज से हम लोग देख रहे ट्रॉफी को मालूम. टच नहीं करेंगे भाई. This deserves to the champions. स्टेज पे भाई हम लोग क्या क्रेजी लग रहा है भाई. Crazy on the VCT stage. This is insane, bhai. We are from India.
and everyone from media while I was doing the watch party. We're a big fan of yours, your gameplay. They have high hopes from you, so all the best. Thank you so much for this gameplay. Thank you so much for showing us. Can you say hi to India? Hi. The winners, let's go. उन लोगों से मैंने हिंदी में बात तो किया लेकिन शायद है ना उन लोगों को हल्का हल्का समझा लेकिन भावना उन तक पहुंचे बराबर। टीम तो यार डेंजर है, सब लोग यंग लोग हैं और फट्टे भाई लोग।